नहीं जानता। दो मिनट पहले वो मेरे डैड को लेकर भाग गए। हमने देर कर दी जोई। कोई सिग्नल नहीं है, हमारे पेरेंट्स इस टाइम से भी निकल गए हैं। अरे नहीं तो चलो हम भी उनके पीछे चलते हैं। नहीं जा सकते है? जब तक अरसला और दोनों जमूरे नहीं आते नहीं जा सकते। मगर वो है कहा? अच्छा है कि भालू हाइबरनेट करते हैं, बड़ी गहरी नींद सोते हैं ये। You wanna be, yeah. Make your move, come on and make your move. Dinosaur King is your destiny, yeah. Make your move, come on and make your move. Control the cards right in your hands. Jurassic Giants at your command. D-D-D-D-Team. Watch out, here we go. Prehistoric dinosaurs aren't extinct anymore. See them fight, hear a roar. Watch out, cause they're right next door. The past is in the present. Time to twist it upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Make your move, come on and make your move. Dinosaur King is your destiny, yeah. Make your move, come on and make your move. मुझे अभी भी टीपीएस पर कुछ भी नहीं दिख रहा दोस्तों। हम काफी करीब थे, मैंने जोई के डैड को पायरेट्स के शिप में देखा पर उन्हें रुक नहीं पाया। कोई बात नहीं, मेरे डैड ठीक हैं और अब तो मुझे अपने पेरेंट्स को ढूंढना ही है। हाँ सही कहा। यहाँ ध्यान से देखिए, एक ट्रांसमिशन दिख रहा है। जोनाथन तुम सुन रहे हो? जवाब दो जोनाथन, मैं बैकलैंड के लिए डी लैब से बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो ना? जोनाथन बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ मुझे भी देख गए, मैं बहुत घबरा रही थी। जानते हो रिफ, हम डैड के करीब पहुँच गए थे। तुमने उन्हें सचमुच देखा था? हाँ देखा था, उन्हें लोगों ने शोगन टोकुगावा समझ लिया था। क्या डैड को शोगन समझ लिया था? हे दोस्तों, हमारे दादू कैसे हैं? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना? नहीं अभी तक तो बड़े तमीज से पेश आ रहे हैं। सही कहा ना डॉक्टर जी? अच्छा है। अरे वाह, वो तुम्हारे पीछे क्या है? हाँ टेरासोर है। टेरासोर? उसके बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते, मगर वो हमें अलग अलग टाइम एंड प्लेस में ले जाती है। चलो मेरे साथ, जल्दी करो। माफ करना टेरासोर, स्पेस पायलट चौथा कॉस्मो स्टोन भी ले गए। हमने रोकने की बहुत कोशिश की मगर नहीं रोक पाए। और कोशिश करनी होगी। याद रखना, सातों मिल गए तो उन्हें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मिल जाएगी और तब ये टाइम एंड स्पेस भी नहीं रहेगा। सिर्फ तुम लोग ही ऐसा कुछ होने से रोक सकते हो, तुम्हें जल्दी करना होगा। हाँ हम कोशिश करेंगे। तो स्पेस पायरेट्स को चार स्टोन मिल चुके हैं? हाँ और अब तीन ही बचे हैं। तुम्हें क्या लगता है, सातों मिल गए तो ये दुनिया वाकई खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में पता लगाकर बताती हूँ। अरे सिग्नल जा रहा है। सिग्नल कटने से पहले ही मैंने रीज को उन सारे एरास के डेटा भेज दिए हैं जहाँ जहाँ हम गए थे। अच्छा किया, मुझे लग रहा है कि टेरासोर हमें फिर किसी नए एरा में ले आई है। अरे ये कौन सा टाइम एंड प्लेस है? हम अभी एंशियंट पर्शिया के रेगिस्तान में हैं और साल है 757। ये खतरनाक है क्या? ये वो समय था जब रेगिस्तान के रास्ते सौदागर अपना सामान लेकर पूरब से पश्चिम तक जाते थे, मगर मगर क्या? मगर रेगिस्तान में चोर और लुटेरे भी थे। कमाल है। हाँ? चाल है, ये तो 40 चोरों की गैंग है। ये क्या है? पहचान। सिर्फ 39 चोरी है, फेस को बुखार है, अभी तो हमें बहुत सारा काम करना है। क्या कर रहे हो चोर, क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? अच्छी तरह से जानते हैं, तुम हो प्रिंसेस ज़ारा, सुल्तान की बेटी।
मगर अब तुम हमारी कैद में हो। की मालिश करने पर आपका दिमाग चलने लगेगा डॉक्टर, तो कुछ असर हुआ? हाँ, बताइए ना कि आपको पता लगा वो कॉस्मोस्टोन्स कैसे काम करते हैं। अगर हम और जोर लगाए तो फायदा होगा। मैक्स ने कहा था कि उसके डायनासोर ने येलो कॉस्मोस्टोन पर रिएक्ट किया था, इसका मतलब है कि उन स्टोन्स और डायनासोर में कुछ कनेक्शन जरूर है। अरे मैंने पीठ की मालिश करने को कहा था, हम जोश में आ गए थे। एक बात तो मैं जान गया हूँ, अगर उन स्टोन्स का असर डायनासोर्स पर होता है तो डायनासोर किंग बनने के लिए मुझे वो पाने ही होंगे। चलो शियात्सु करके देख। पहले मुझे उठा। अरे मेरी गर्दन छोड़ो। अरे बेवकूफ बंदरों, कुछ तो दिमाग लड़ाओ और इससे बाहर निकलो। कोशिश तो की थी मगर अपना ही पैर खींच लिया। मुझे इन पहाड़ों में बना खुफिया दरवाजा ढूंढना है, लेकिन अगर वो खुफिया है तो मुझे कैसे मिलेगा? यही लग रहा है, मगर दरवाजे पर डोर नॉब नहीं है, लगता है इसे तोड़ कर गिराना होगा। इसे तोड़ दो अफ्रो वनेटा। दोस्तों डायनासोर सिग्नल है। ये तो वही कैप्रो है। ये पत्थर पर अपना सिर क्यों पटक रहा है? बॉस ने तो खुफिया दरवाजा कहा था, कहीं उसे खोलने के लिए कोई खुफिया मंत्र तो नहीं है? खुफिया दरवाजा? वो जा रहा है। अच्छा है, चलो हम दरवाजा खोलते हैं। जरा रुको मैक्स। अब क्या हुआ? अफ्रोविनेटर तो चला गया, मगर डायनासोर का सिग्नल अभी मिल रहा है। क्या इसका मतलब है कि आसपास कोई और डायनासोर भी है? कैब्रो जरूर इसके अंदर से कुछ निकालना चाहता है। वो भी कॉस्मो स्टोन ही होगा। तब तो हमें ये दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। समझ गया, ये मंत्र से खुलेगा। खुल जा शम्सेम। सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा खुलेगा, मगर खुल ही गया। अब ये मत पूछो कि दरवाजा कैसे खुला, जैसे भी खुलाओ खुल गया ना। चलो अब अंदर चलो कॉस्मो स्टोन ढूंढने। देखो ना यहाँ कितना खजाना है, ये तो मेरे गंदे कपड़ों के ढेर से भी ज्यादा बड़ा है, मगर कोई इसकी पहरेदारी नहीं कर रहा। ये क्या हुआ? लगता है कि कोई भारी भरकम जीव आ रहा है। शायद डायनासोर। आवाज से तो लग रहा है कि ये कोई छोटा मोटा डायनासोर नहीं होगा। देखो ये तो आइसिसोरस है। हाँ, सही पहचाना, इसकी गर्दन काफी मोटी है। और वो देखो, इसके माथे पर स्पेक्ट्रल पैलेस वाला निशान भी नहीं है। वाह, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये उनका नहीं तो किसका है और यहाँ कहाँ से आया? अरे संभल कर, दूर हो जाइए वरना वो आपको कुचल देगा। नहीं जीनी किसको कुछ भी नहीं करेगा। जीनी? कहा मैंने इसे एक जादुई चिराग से निकाला था, इसलिए इसका नाम जीनी रखा है। मुझे तो लगा था कि वो टकला और नुकीले जूते वाला होता है। चिराग, जीनी और खजाना, बस एक राजकुमारी की ही कमी है। थी, पर अब तुम लोगों ने ढूंढ निकाला है। मैं हूँ प्रिंसेस ज़ारा। मतलब तुम सचमुच ही राजकुमारी हो? हाँ, मैं तो सिर्फ जोई हूँ। मेरा नाम है मैक्स। मेरा नाम है ये कहना चाहता है कि इसका नाम रेक्स है और ये बहुत कम ही ऐसा हकलाता है। मगर एक प्रिंसेस इस गुफा में डायनासोर, मेरा मतलब एक विशाल जीनी के साथ क्या कर रही है? मुझे वो चिराग और ये जीनी तब मिला जब 39 चोर मुझे यहाँ छोड़ कर चले गए। 39 चोर? मेरा कारवां महल की ओर जा रहा था, तभी रेगिस्तान में चोरों ने हमला कर दिया। चोरों ने मेरे सैनिकों को मार भगाया, फिर मुझे लेकर इस गुफा में आ गए और मुझे यहीं छोड़ कर चले गए। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, जल्दी से दरवाजा खोलो।
कोई है? हाँ, कमाल है। शायद ही दुनिया की किसी सुल्तान के पास इतने सारे हीरे जवाहरात मौजूद होंगे। अरे वाह, ये चिराग तो बहुत सुंदर है। मगर इसने कुछ नहीं किया। पहले तो यही लगा था कि ये जंगली है, अपना पेट भरना चाहता होगा, इसे जो मिल जाए वही खा लेगा। तुम चिराग के जीनी हो क्या? तो तुम हाँ कह रहे हो ना? मुझे जल्दी ही पता लग गया कि चिराग का ये जीनी भले ही इतना बड़ा है, पर ये तो बड़ा ही शरीफ लग रहा था। हम दोस्त बन सकते हैं, मगर उसके पहले तुम्हें एक नाम भी देना होगा। ठीक है, तुम्हारा नाम है जीनी, पसंद आया? शायद पसंद आया है। अगर तुम सचमुच चिराग के हो तो तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। मुझे अपने पापा हुजूर को ये सब बताना होगा, तो मुझे जल्दी से इस गुफा से बाहर निकालो। उस तरफ। ओ थैंक यू जीनी। हम दरवाजे की ओर जा रहे थे जब तुम लोग यहाँ आए। ये जीनी हो या ना हो, पर इतना तो पता लग गया कि ये हमारा दोस्त है। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो चोर तुम्हें यहाँ बंद करके क्यों चले गए। शायद पापा हुजूर से पैसे चाहते होंगे। पहले उनके पास इतना सब कुछ है, फिर वो और पैसों का क्या करेंगे? तुम लोग इस खजाने के लिए आए हो क्या? इसे चुराना चाहते हो क्या? नहीं, हमें तो सिर्फ एक हीरा चाहिए जिसे कॉस्मोस्टोन कहते हैं, और वो करीब इतना बड़ा होता है। कॉस्मोस्टोन? हाँ। इतनी बड़ी गुफा में उसे ढूंढने के लिए तुम्हें मदद की जरूरत होगी। जीनी भी हमारी मदद करेगा, हम साथ मिलकर उसे ढूंढेंगे। हमें अपने स्कैनर पर जो डायनासोर नजर आया था वो आसपास ही कहीं है। हाँ, मगर अब तक कुछ खास हाथ नहीं लगा है। ये नजारा देख रहे हो? मैंने इतने हीरे जवाहरात पहले कभी नहीं देखे। हम अभी रुक गए, अब हम ऐश करेंगे। मैं तो पूरा देश खरीदूंगा। मैं अपना लॉलीपॉप स्टैंड खोलूंगा और सारे लॉलीपॉप खुद ही खा जाऊंगा। मैं तुम्हारा देश और तुम्हारे लॉलीपॉप स्टैंड खरीद लूंगा और अपनी सोने की एक मूर्ति बनाऊंगा। तुम तीनों सपने देख रहे हो, क्योंकि ये खजाना मेरा है। तुम लोगों को थोड़ा सा दे दूंगी। लेकिन ये ताज तो हमसे नहीं लोगी ना? जब तक हमें कॉस्मो स्टोन नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं ले जाएगा। चलो ढूंढो जल्दी से। चलो अब मंत्र पढ़ो और दरवाजा खोलो। भला करो भगवान, कहाँ से आ गया शैतान? बड़ी जल्दी खोल दिया, धन्यवाद। अब मैं जाऊँ? चीन किस तरफ है? मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि कॉस्मो स्टोन अब मेरा होने वाला है। अरे दोस्तों, जरा ये देखो, ये तो एक डायनासोर कार्ड कैप्सूल है। मुझे लगता है ये जीने का होगा। क्या इस जमाने में भी कैप्सूल होते हैं? मुझे नहीं मिल रहा। कॉस्मोस यहीं पर छिपा होगा, ढूंढो। जब मिल जाए तो मेरे हवाले कर देना। क्या? तुम्हें तो हम एक ही चीज देंगे और वो है डायनासोर की चीखें। हाँ, कान खोलकर सुन लो बड़े कान वाले, ये खजाना हमारा है, जिसे मिला माल उसका। मेरा अफ्रोवनेटर बताएगा कि खजाना किसका होने वाला है। तुम इतना भी नहीं जानते कि किसी औरत से गहने नहीं छीनते। अब तुम्हें सिखा ही देती हूँ। अल्फा क्लैश बाहर आओ डायनासोरस। ये क्या? हाँ? एक और डायनासोर। ये लो, अब देखो स्पेक्ट्रल आर्मर का कमाल। स्पाइनी तुम्हारे आर्मर का जवाब दे सकता है। डायनो ट्रैक्टर ऑन। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। हीरे हैं औरतों का गहना, और भाई मेरे अरसला से दूर ही रहना। ये रहा टर्नेडो टॉस।
इसका मतलब है कि वो स्टोन यहाँ भी नहीं है। देख रहे हो, वो बिना कुछ किए ही यहाँ से चला गया। शायद बेचारे ने पायरेटिंग स्कूल में पढ़ाई नहीं की होगी। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, उसे कॉस्मो स्टोन चाहिए और उसके लिए 1000 कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उसकी तलाश में गया है। अच्छा सुनो, अब जाते से यहाँ से निकाल लो क्योंकि गुफा गिर रही है। ये सही नहीं हो रहा, हमें यहाँ से निकलना होगा दोस्तों। जारा जल्दी चलो, यहाँ खतरा है। अरे नहीं, गैब्रो लौट आया है। ये भी कोई चीनी है क्या? नहीं वो चीनी नहीं है, वो गैब्रो है और वो लालची है। मुझे कुछ दोगे? वो कॉस्मोस दे दो, यहाँ से चले जाओ। सामने से हटो गैब्रो, ये सब वक्त नहीं। तो फिर थोड़ा वक्त निकाल लो मुन्ना, वरना चीनी। फिक्र मत करो जारा, इसे एस संभाल लेगा। क्या ये एस क्या है? जाइनो स्लैश कार्निटोरस हल्ला बोल। वारेक्स, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे पास भी जादू का चिराग है। जल्दी करो एस, जाइनो ऑन। चलते हैं। जब तक मुझे कॉस्मो स्टोन नहीं मिलता तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले। वो स्टोन हमारे पास भी नहीं है, समझे? अब समझा, तुमने उसे उस चिराग में छिपा रखा है। उससे हाथ भी मत लगाना। ये लड़ाई खत्म करके हमें यहाँ से निकलना होगा। जाओ एस, हरिकेन बीट। गुफा गिरने वाली है, चलो यहाँ से निकलते हैं जल्दी। स्टोन तो नहीं मिला मगर हम खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। एक ऐसे सौरभ हमारी तरफ ही आ रहा है। तुम लोग खजाना छोड़कर जल्दी से भाग जाओ वरना जाओगे काम से। क्यों? ताकि तुम ये सारा खजाना ले सको। नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ोगी तो यही दफन हो जाओगी। रुक जाओ, उसे उठाओ ईश। तुम ठीक तो हो ना? हम बस बच ही गए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, तुम्हारी वजह से रेक्स। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? अरे सुनो, अल्फा गैंग कहाँ है? कहीं वो अंदर है तो नहीं दब गए? अरे नहीं, वो 39 चोर वापस आ गए। जल्दी चलो, हमें कहीं पर छिपना होगा। इस तरफ। गुफा का दरवाजा तो जाम है। वो देखो, आंटी आ गई। क्या कहो? आंटी कहने के बाद कोई मेरे गुस्से से नहीं बच सकता। तुम लोग कौन हो घुसपैठिए? बताओ तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? सही, इन घुसपैठियों ने हमारा खजाना चुरा लिया है। अगर कोई चोर मुझे लूटता है तो मेरा दिमाग घूम जाता है। अब तुम भुगतो इसकी सजा। तुम लोगों ने प्रिंसेस के साथ क्या किया है? कौन सी प्रिंसेस? ये मुछड़ शायद उस लड़की की बात कर रहा है जो उन बच्चों के साथ बाहर भागी है। तो जारा भाग गई है, अब रशीद हमें नहीं छोड़ेगा। चलो जाहिद। रशीद को जानता है? रशीद कौन है? वो सुल्तान का वजीर है। वजीर है? आखिर ये चोर वजीर को क्यों रिपोर्ट करते हैं? कहीं उन्होंने रशीद की वजह से ही तो मुझे नहीं पकड़ रखा है। मुझे हर बात तो पता नहीं, लेकिन दाल में कुछ तो काला है। मुझे अब महल में जाकर अपने पापा हुजूर को सब कुछ बताना होगा। मैं वादा नहीं कर सकती, पर हो सकता है कि तुम लोग जो स्टोन ढूंढ रहे हो वो हमारे महल में ही कहीं हो। तो फिर चलो हम वही चलते हैं। अच्छा
अच्छा है कि मेरा सिर दुनिया की सबसे मजबूत चीज है। हाँ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है हम रेत के तूफान में फंस गए हैं। हमें कहीं पर छिपना होगा। प्रिंसेस ज़ारा, क्या तुम हमें बता सकती हो तुम्हारा महल और कितना दूर है? कम से कम एक दिन तो लगेगा ही। तब तक तो हम रेत में दफन हो जाएंगे। ये क्या वाला है? रेत का बवंडर। अब तो हमें रेत में दफन होने से कोई नहीं बचा।